राधे राधे फ्रेंड्स, राधा माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी मसाला। बिना प्याज लहसुन के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। साथ ही बनाएंगे दिवाली या त्योहारों पर बनने वाली मैदा की एकदम क्रिस्पी करारी पपड़ी, अजवाइन पपड़ी। आलू गोभी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख रही हूँ। इसमें हमको आलू गोभी फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1/2 kg गोभी लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके लंबा लंबा कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक पीसेस नहीं करे हैं मैंने। और अब इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और आप देख सकते हैं हमारी गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे, उसी ऑयल में डालेंगे। 4 आलू मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिए थे छिलका निकाल के, और इनको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पर ही करना है। और आप देख सकते हैं, मैंने देख लिया आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब इसको उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने गोभी फ्राई करके रखी हुई है। सारे आलू निकाल लेंगे उसमें ही। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल थोड़ा कम कर दिया है और उसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। साथ में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और इसको अच्छे से सेकेंगे। हरी मिर्ची को अच्छे से क्रंची होने तक सेक लेना है। और अब उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 चम्मच अदरक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्ज़ी में। आप चाहे तो पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुटा हुआ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ऐड करेंगे, ये मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर प्यूरी बना ली थी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 4 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच चना मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें, इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए ढकेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मसाले में से अच्छे से ऑयल निकलने लग गया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश दूध की मलाई। अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई के अच्छे से एब्जर्व होने के बाद अब इसमें फ्राई की हुई हमारे आलू को भी मिक्स कर देंगे सारे। सारी सब्जी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे सारे हमारे तैयार मसाले का फ्लेवर सब्जी में आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। बिना प्याज लहसुन की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है और बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। दिवाली आने वाली है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। अब सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया है। झटपट से बनने वाली टेस्टी सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। मैदा की कुरकुरी अजवाइन पपड़ी बनाने के लिए 1/2 kg मैदा लेंगे। एक बाउल में छान लिया है मैंने इसे। 2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और अच्छे से अजवाइन और नमक को मिक्स कर देंगे मैदा में। नमक और अजवाइन मिक्स होने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सख्त डो लगा के तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है और सॉफ्ट डो नहीं लगाना है इसका, नहीं तो अच्छे से पपड़ी क्रिस्पी कुरकुरी बन के रेडी नहीं होती हैं।
तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छे से डो लगा के रेडी कर लेना है। इस तरह से एकदम सख्त डो बना के रेडी कर लेंगे। और तोड़ के दिखाती हूँ मैं, इस तरह का डो चाहिए। अब इसे मैंने एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है और अच्छे से हाथों की हेल्प से पहले इसको स्मूथ कर लेंगे थोड़ी देर। और इस तरह से स्मूथ करने के बाद अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे पेड़े बनाना है हमको। हमारा परफेक्ट आटा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है हाथों में। साथ में थोड़ा सा सूखा आटा रख लेंगे। अब एक पेड़ा में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है मैंने, आप चाहे तो मैदा भी लगा सकते हैं। और इस तरह से एकदम पतली पपड़ी बना के रेडी कर लेंगे, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से एकदम पतली पतली पपड़ी बना के रेडी करना है। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था, अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर एक एक पपड़ी डालते जाएंगे और इस तरह से अलटते पलटते हुए इसको सेक लेना है। इसमें अच्छे से बबल्स बनने लगेंगे और ऐसे इस तरह से ऑयल साइड में कर कर एक एक करके मैंने पपड़ियाँ तल ली हैं सारी। फ्रेंड्स पपड़ी तलने के आधा एक घंटे तक उनको ऐसे ही छोड़ दें खुली हवा में, इससे एकदम वो ठंडी होने के बाद क्रिस्पी कुरकुरी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन गई हैं और अब ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी और एक महीने इनको स्टोर कर करके रख सकते हैं हम, कुछ भी नहीं खराब होता है इनका। और आप इसे बिना त्यौहार के भी टी टाइम स्नैक के रूप में बना सकते हैं। फ्रेंड्स दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।